सुबह का ब्रेकफास्ट हो या बच्चों का लंच है, तो मन में यही रहता है सवाल कि क्या दें बच्चों के, कि ऐसा कि खा के पूरा टिफिन लंच चट करके आए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों या बड़ों घर में हो या टिफिन में, ये सारे चट कर जाने वाले रेसिपी है। बहुत अच्छा बनता है, बनाने में भी इजी है और ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, हमारे हर एक वीडियो आने वाले सबसे पहले पहुंच सके आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ये बेसन लिए हैं, 2 कलछी हम बेसन ले लिए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे अपने मनपसंद सब्जियां, जैसे ये पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, हरा धनिया है, प्याज है, हरी मिर्च है, ये सारे हमने ले लिए हैं। अब टमाटर है, गाजर है थोड़ी सी, ये सारे हम डाल दिए हैं। आपके बच्चे जो भी सब्जियां नहीं खाते हैं इसमें आसानी से आप दे सकते हैं। बच्चों को सब्जियां खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ऐसे नहीं खाते तो इसमें डाल के ज़रूर बनाइएगा। अब इसमें डाल रहे हैं हम कूटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हमें खड़ा जीरा डाल दिए हैं। इसमें हम डालेंगे अब थोड़ी सी इसे अजवाइन, क्योंकि हम बेसन से बना रहे हैं, बेसन गैस करता है, इसलिए अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब ये डाल दिए हैं सारे चीज़। अब इसमें ज़्यादा कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, अब बस इसमें हम थोड़े थोड़े पानी करके मिक्स कर लेंगे पहले। तो देखिए इस तरह से पानी डाल के हमें इसे बिल्कुल ठीक सी हमें बेटर बनाना है घोल। तो एक बार पानी नहीं डालिए वरना ये ज़्यादा पतली हो सकती है। थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसे हम गढ़े सी बेटर बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल ठीक सी। देखिए इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत मस्त बनता है, अच्छा लगता है और बच्चे बहुत मज़े करेंगे, ये पूरे चट करके आएंगे लंच में देंगे। तो देखिए बेसन हमें थोड़ा कम लग रहा था, सब्ज़ियाँ ज़्यादा, तो इसलिए बेसन थोड़ी सी हम इसमें अवॉइड कर लिए हैं। अब पानी डाल के इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए थोड़े से पानी इसमें और ऐड कर देते हैं, ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो देखिए इस तरह से हमारा बेटर बनकर तैयार होना चाहिए, बिल्कुल लगता है जैसे हम एग में बना रहे हैं अंडा का, वैसे बनता है। तो इसमें कलर के लिए आप थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दें, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें, चाहे तो डालें वरना आपके बच्चों नहीं खाते तो स्किप कीजिए, हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, मन है तो डालिए कलर के लिए, वरना ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए कलर के लिए हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाले हैं, इसे मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा बेसन फूल जाए। देखिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए थे, हमारा ये बढ़िया सा बेटर सेट हो चुका है। तो अब इसे हम थोड़ी सी चाट मसाला इसमें ऐड कर दी है चटपटा के लिए। तो देखिए ऐसे तो ज़्यादा इसमें मसाला हम ऐड किए ही नहीं है, क्योंकि हम बच्चे के लंच के लिए बना रहे हैं। चाहे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम के स्नैक टाइम में बना सकते हैं। ये देखिए ब्रेड लिए हैं, ये बड़े वाला व्हाइट ब्रेड है। तो इसे हमको कोई किनारा हटाना नहीं है, बस ऐसे ही हमको साबुत ब्रेड लेना है और इसे इस तरह से इसमें डिप करते हुए हमें बढ़िया से इसी तरह से। अब इधर तवा चढ़ा लिए हैं, तवा हमारा गर्म हो गया, तो इसमें आप बटर, घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। हम तेल में फ्राई कर रहे हैं तो तेल डाल दिए, सरसों का तेल है। अब इसमें ऐसे डिप करके हमें ब्रेड को रखना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ना, जैसे हम एग में बना रहे हैं वैसे ही। अब देखिए इस तरह से हमें ऊपर से हल्का सा तेल इस तरह से डाल देना है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें थोड़ी देर के लिए सेक लेना है। आप चाहे तो सैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें। हमारे यहाँ पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे यहाँ सब लोग क्रंची खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए हम थोड़ी सी ज़्यादा सेकेंगे। अब पलट लिए हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो इसमें थोड़ी सी ऊपर से तेल हम और डाल दिए हैं। अब इसे उलटते पलटते हुए हमें बढ़िया सा सेक लेना है। देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार हो गया है, देखने में ही मस्त लग रहा है, आ रहा है ना मुँह में पानी, बहुत गजब का टेस्ट आता है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे।
देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे, और बचे हुए 2 पीस आ है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने वो भी फ्राई कर लिए, टोटल हमारा 4 पीस बना है। तो ये हमारा रेसिपी कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके और आप वीडियो का मज़ा उठा सके। तो देखिए इस तरह से हमने सर्व कर लिए हैं, बच्चों को इस तरह से ज़रूर बना के दीजिएगा, बहुत खुशी खुशी खाएंगे, पूरे टिफिन चट करके आएंगे। इस हल्के में नहीं, बहुत मस्त लगता है फ्रेंड, ट्राई कीजिएगा। आप देखिए हम लंच सुबह में हम बनाए हैं बच्चों के लंच के लिए, तो सोचे लंच के लिए भी बना देंगे, सुबह में ब्रेकफास्ट भी हम लोग के हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे काट लेंगे, ताकि हमारे बच्चों का लंच बॉक्स में आसानी से आ सके, ऐसे नहीं होगा। इसे हम 4 पीस में काट देंगे तो आसानी से चला जाएगा लंच बॉक्स में। देखिए इस तरह से इसे काट करके आप हरी चटनी या टमाटो केचप जो भी बच्चों का पसंद है उसके साथ इसे दे सकते हैं, बहुत मस्त लगता है। देखिए इस तरह से हम कट कर लिए हैं, और इसे लंच बॉक्स में हम पैक कर देंगे, ये नहीं आएगा, दूसरा टिफिन छोटा वाला है वो इसमें नहीं जाएगा, इसलिए हम इस तरह से काट लिए हैं। आप अपने मन पसंद अनुसार इसे शेप दे सकते हैं, काट सकते हैं। तो हम इसे 4 भाग में कर दिए हैं, अब एक और काट लेते हैं। इसे कटा हुआ है, इसे भी हम बीच से ये पीसेज कर लेते हैं। तो हमारा रेसिपी अगर अच्छा लग रहा है फ्रेंड, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारा वीडियो देखिएगा, तो पूरा वॉच कीजिएगा, और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट से हमें प्यारा सा बहुत बहुत खुशी मिलता है, लगता है कि आप मेरे सामने हैं। तो ज़रूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।